हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल एम्प्टी मोना वर्ल्ड में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक एकदम सिंपल सा है, नॉर्मल सा है, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में हम लोग सोचते हैं उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरा साथ देना, मेरे वीडियो को देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट भी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक एकदम सिंपल सा है, जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग सोचते हैं। मतलब हम लोग को सब लोग ये भी कहते हैं ना कि एक्चुअली हेल्थी होने का मतलब क्या है। तो आप लोगों के हिसाब से हेल्थी होने का मतलब क्या है? मैं आज बताऊंगी कि मैं क्या सोचती हूँ, क्योंकि हेल्थी होने का मतलब क्या यही है कि हम डेली आप लोग जिम जाओ, बॉडी बनाओ, या तो ये है कि आप लोग स्लिम रहो, डाइट करो, या बीमारी से दूर रहो, बस यही सब है क्या हेल्थी रहने का मतलब? तो मैं मानती हूँ कि हेल्थी रहने का मतलब है कि हाँ, निरोगी रहना, यानी कि बीमारी से दूर रहना। क्योंकि जब बीमारी अपने अंदर रहेगा तो हम हमेशा दुख में, एटलीस्ट डिप्रेशन में रहेंगे कि मुझे ये हुआ, आज वो हुआ। और हमारे जो मम्मी पापा या घर वाले हैं, वो लोग भी हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं कि हाँ, मतलब एक अगर बीमारी इंसान घर में रहेगा तो उसके लिए पूरा घर का माहौल भी वैसे ही तनाव से रहता है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीमारी से दूर रहना, ये फर्स्ट थिंकिंग है। सेकेंड ऑफ ऑल, हमें सिर्फ बीमारी से दूर रहना ही नहीं, मेन बात है हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करना, खुश रहना। क्योंकि हमें जितना भी परेशानी हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, हर परेशानी का हल होता है। और हर परेशानी के अंत में हमेशा ये सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे सफलता मिलेगी। और भी पॉजिटिव, आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखो, क्योंकि एक नेगेटिविटी थिंकिंग ही बहुत कुछ बिगाड़ भी देती है और मतलब हमेशा डिप्रेशन भी ला देती है। सो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मन के अंदर, क्योंकि हमारे मेन बात है हम लोग अंदर से कितना स्ट्रांग है। जब हम अंदर से स्ट्रांग होंगे तब हमारी बाहर की बीमारी भी कुछ कर नहीं सकती। दवा तो जरूर चाहिए, क्योंकि दवा तो चाहिए होगा, क्योंकि हमें बीमार हो तो दवा चाहिए। पर दवा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम अंदर से कितना स्ट्रांग है, हम कैसे अपने आप को खुशी में रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं हम लोग। क्योंकि जब हम लोग खुश रहेंगे तो हमारी बीमारी आधा से ज्यादा तो खत्म ही हो जाएगी। जब हम हैप्पीली, मतलब जैसे पॉजिटिव थिंक करेंगे, जैसे एक्सरसाइज करना, ये तो हमेशा जरूरी है कि सुबह आप जल्दी उठो, उठ के एक्सरसाइज करो, खाने पीने का ध्यान रखो। क्योंकि आजकल इतनी बीमारी बढ़ चुका है कि मतलब कुछ भी उम्र देख के नहीं आता है बीमारी। हर उम्र के इंसान को बीमार हो जाता है, छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग हो, कुछ भी उम्र का इंसान को बीमारी हो जाती है। पर इसका मतलब है कि हम लोग अपने बॉडी का ध्यान रखें। पर हम लोग जितना भी अंदर ये बाहर से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी बीमार हो तो दवाई ले रहे, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दो चीजें कि फर्स्ट चीज है पॉजिटिव थिंकिंग करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, किसी के बारे में भी निगेटिव मत सोचो। क्योंकि एक निगेटिव थिंकिंग ही चारों तरफ सिर्फ डिप्रेशन लाती है। आप लोग कुछ भी इंटरनेट में सर्च करके देख लो, वहाँ पे आप लोग अगर देखोगे सर्च करके कि हेल्थी रहने का उपाय क्या है, तो आप लोगों को ये उपाय जरूर बताएगा कि आप लोग निगेटिव थिंकिंग मत करो, हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा अपने मन को हैप्पी रखो। जब आप अंदर से हैप्पी रहोगे तब आपका चारों तरफ सिर्फ हैप्पीनेस ही दिखेगा। और एक बात कि हम लोग हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम कैसे दूसरों को भी खुश कर सके। क्योंकि मेरी वजह से कोई दूसरा कभी भी किसी को मैं प्रॉब्लम ना दूं और किसी दूसरे को की खुशी में ही मेरी खुशी होगी, ये सोचना बड़ी बात है। क्योंकि हम अगर किसी का हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। पर कभी किसी को ऐसा नहीं है कि आप किसी के मतलब
अमीर हो या गरीब या कुछ भी चीज के ऊपर आप उस पर हंसे ये मत करें। आप खुद को कैसे हैप्पी रखे, खुद कैसे हंसते रह सकते हैं वो करिए, पर किसी और की हंसी, किसी और को अपनी हंसी में शामिल मत कीजिए कि आप किसी और को देख के हंस रहे कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो देखने में खूबसूरत है, बदसूरत है, ये नहीं है। क्योंकि आप अगर हेल्थी रहना चाहते हो तो ये भी नहीं है कि आप सिर्फ खूबसूरत ही हो। खूबसूरत के साथ साथ आपका मन भी खूबसूरत होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अंदर से अगर खूबसूरत रहोगे तभी आपका खूबसूरती बाहर निखार के आएगा। सो दोस्तों, मेन बात यही है कि हेल्थी रहने का मेन उपाय है आप हमेशा हैप्पी रहो, दूसरों को भी खुशी दो, अगर हो सके तो किसी का हेल्प करो, पर अगर नहीं हो सके तो किसी की मतलब बुराई मत करिए। मैं भी ये सोचती हूँ कभी कभी जब मुझे मतलब रियल लाइफ हो या आप वीडियो बना रहे हो तो किसी को तो शायद वीडियो खराब भी लग सकता है तो वो डिसलाइक कर देगा ऑब्वियसली, पर एक बात जरूर कहूंगी कि कोई डिसलाइक करता है या रियल लाइफ में कोई खराब भी बोलता है तो मैं उसको सोच के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत महान हूँ, कि मैं नहीं सोचती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि कैसे मैं अपने मन को कंट्रोल में ला सकूँ, कैसे अपने आप को कंसंट्रेशन कर सकूँ किसी अच्छे कामों के लिए, कैसे किसी को कभी बुरा मत सोचूं, वो मैं कंसंट्रेट करती हूँ। मेन बात है कि वैसे हम किसी मतलब मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ या तो कुछ भी रियल लाइफ में अगर कोई मुझे बुराई से कुछ भी कह भी दे तो मैं ये सोचती हूँ कि उसको कहना है तो कह दो, क्योंकि मैं अगर पॉजिटिव सोचूंगी तो उसका बात भी मैं पॉजिटिवली लेके उसको चेंज कर सकती हूँ। पर जो नेगेटिव सोचते हैं वो सिर्फ अपने आप में नेगेटिव रखते हैं, इसीलिए दूसरों के ऊपर नेगेटिव कहते हैं। इसीलिए हमेशा ये सोचिए कि अगर किसी ने हमें निगेटिविटी बात कही भी है तो हमारे मन में हम उसको कैसे करके ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए वो कुछ भी कहे हमें तो दुख लगेगा ही, क्योंकि हमको दुख लगेगा क्योंकि कोई अगर हमको खराब से बोलते तो हमें ऐसा सैड मोमेंट आ जाता है। बट उसी टाइम ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो सोचते तो, क्योंकि वो उसका बात है, वो उसका नजरिया है, हम कैसे सोचते ये हमारा नजरिया है। वो अगर कुछ कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, मतलब हर बात में कोई ना कोई वो लोग को कुछ ना कुछ ताना दे सकते हैं, तो ताना देने वालों को मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपना नजरिया हमेशा चेंज कीजिए, दूसरों की तरफ इतना बुरी नजर मत रखिए। और हम खुद को ये समझना होगा कि हमें अपने आप को जब खुश रखना, दूसरों की बुराई ना करना, खुद को पॉजिटिव थिंकिंग जब करूंगी तभी हम लोग एक अंदर से स्वस्थ इंसान बन सकेंगे। तो स्वस्थ इंसान बनने के साथ साथ हमें हमेशा ये भी ख्याल रखना होगा कि खुद स्वस्थ रखेंगे तब दूसरों को भी आप वही अच्छा एडवाइस कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं 100% मतलब सही हूँ या मुझे गुस्सा नहीं आता है किसी के ऊपर, ऐसा नहीं है, तो गुस्सा आता है पर इसको कंट्रोल करना सीखना होगा। तो वही बात है, तो दूसरों की बात पे तो नजरअंदाज कर देती हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि गुस्सा ना आए, गुस्सा तो सबको आता है, पर गुस्सा आने से भी खुद को कैसे कंट्रोल कर सकूं और कैसे एक अच्छी बात पे कंसंट्रेट कर सकूं वही सोचती हूँ। सो दोस्तों, आप लोग भी क्या सोचते हो हेल्थी लाइफ के बारे में जरूर बताना। मेरे हिसाब से वही है कि आप जो भी हो, जितना भी एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो बीमारी से दूर रहने के लिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है अपने मन को। जब आप अपने मन से हैप्पी रहोगे तो आपको कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाएगी और आप हमेशा खुश भी रहोगे। और फर्स्ट एंड लास्ट है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव जब आप सोचोगे तभी चारों एनवायरनमेंट पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखेगा। तो दोस्तों, ये मत बताना भूलना कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको और आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताना।